फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ एक सिंगल एक ऐसी औषधि बता देती हूँ, एक ऐसे बीज बता देती हूँ जो कि हमारे शरीर की अकेली 70 बीमारियों को दूर कर देगी। ऐसी चीज है और हमारे किचन में हर समय मौजूद होती है। दोस्तों, ये चीज के अंदर कौन सी चीजें पाई जाती, कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती वो बता देती हूँ। उसके बाद बताऊंगी कि इसके फायदे क्या हैं, क्यों हमें इसका सेवन करना चाहिए। आज के टाइम में तो लोग इसका सेवन बहुत कम करते हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग क्या करते थे, ऐसे ही इसे चबा कर खा लेते थे और हमेशा तंदुरुस्त और स्वस्थ रहते थे। किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती थी। वैसे वो नेचुरल चीजें ही खाते थे पुराने टाइम के लोग, और अच्छे से वॉक करते थे क्योंकि उस टाइम पर ट्रांसपोर्ट के साधन भी इतने अवेलेबल नहीं थे। दोस्तों, ये साधारण सी चीज है सौंफ, और सौंफ के अंदर कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। कैल्शियम हमारे जोड़ों का दर्द नहीं होने देता। जॉइंट पेन, गठिया शुरू कहाँ से होता है? सबसे पहले क्या होता है, हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी होने लगती है, शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी होने लगती है। दोस्तों, इस सौंफ के अंदर आयरन काफी अच्छी मात्रा में है, तो आयरन क्या काम करता है, हमारी बॉडी के अंदर खून की कमी कभी नहीं होने देता। और मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में है, तो मैग्नीशियम मांसपेशियों का दर्द नहीं होने देता। अगर किसी भी इंसान को भयंकर से भयंकर एसिडिटी है, कब्ज की समस्या है, हाजमा दुरुस्त नहीं है यानी खाया हुआ खाना पचता नहीं है, खून की एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है। खून की एसिडिटी का सीधा सा मतलब है हार्ट प्रॉब्लम, यानी कि दिल से संबंधित समस्या। और पेट की एसिडिटी का सीधा सा मतलब है लीवर का खराब होना, यानी खाया गया खाना अच्छे से नहीं पचेगा अगर हमारे अंदर पेट में एसिडिटी बनती रहेगी। दोस्तों, अगर आप महंगी महंगी दवाइयां नहीं लेना चाहते, आप आयुर्वेद के भी वो नुस्खे अपनाना नहीं चाहते जो बहुत मेहनत से बनते हैं, तो दोस्तों साधारण सी सौंफ तो ले सकते हैं। लेने का तरीका क्या है वो मैं आज इस वीडियो में आपको बता दूंगी। बस लेने का तरीका सही होना चाहिए, आप सौंफ का इस्तेमाल कर लीजिए। दोस्तों, खून की कमी जिंदगी में कभी नहीं होगी, आपका हाजमा हमेशा दुरुस्त रहेगा यानी खाया गया खाना पच जाएगा, कब्ज की समस्या कभी नहीं होगी, एसिडिटी खून की एसिडिटी हो या सीने की एसिडिटी हो कभी नहीं सताएगी। इसके अलावा आई साइड यानी कि आंखों की रोशनी हमेशा तेज ही रहेगी, ये नहीं होगा कि आंखों की रोशनी कमजोर पड़ रही है। आपके बाल नहीं झड़ेंगे। कुछ लोगों का सिर दर्द बहुत ज्यादा होता है गैस की प्रॉब्लम के कारण, खाया गया खाना पचता नहीं, गैस बनती है, सिर दर्द होने लग जाता है। दोस्तों, इसका सेवन करने से स्किन पर ग्लो आएगा। इसके अलावा कैल्शियम की कमी जिंदगी में नहीं होगी, गर्मियों के दिनों में हाथ पैरों में जलन नहीं होगी। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं सौंफ का इस्तेमाल कैसे करना है। सौंफ का इस्तेमाल करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले हमने एक गिलास पानी तो ले लेना है, ये पानी कोई वो चीज नहीं है, जस्ट पानी लेना है। उसके अंदर आप एक चम्मच सौंफ भिगो दीजिए और रात को ऐसे ढक कर रख दीजिए। सुबह आपने दोस्तों इसे हल्का सा गुनगुना करना है, बहुत तेज गर्म नहीं करना, उबालना भी नहीं है, बस हल्का सा गुनगुना कर लीजिए। और इस गुनगुने पानी को गैस पे रखा था ना, बंद कर दीजिए अब गैस को, और इसके अंदर आधा चम्मच गुड़ मिक्स कर दीजिए। दोस्तों, गुड़ वाला जो सौंफ वाला पानी तैयार हुआ है, ये ड्रिंक आपने रोजाना पीना है। एक दिन पीने से ही आपको अपनी बॉडी में चेंज दिखने लगेगा, लेकिन अगर आपने इसका सेवन रोजाना कर लिया तो ये 70 बीमारियों को ठीक कर देगा। लेकिन ध्यान रखिए, सौंफ और गुड़ दोनों को मिक्स करके ही पानी तैयार करना है। गुड़ को रात को नहीं भिगोना, इतना भी ध्यान रखिएगा, गुड़ को आपने सुबह ही मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करिएगा। दोस्तों, इस तरीके से इस पानी का सेवन करिए, आपको महंगी दवाइयां या फिर बड़े बड़े झंझट करके किसी औषधि को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आपका इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।